जगत से जुड़े हुए हमारे जितने जनप्रतिनिधि है अधिकारी सबको धन्यवाद। श्री नजी देवड़ा जी उप मुख्यमंत्री एवं प्रभारी मंत्री जिला देवास और माननीय विश्वास निवारण मंत्री खेल एवं युवक कल्याण विभाग मध्य प्रदेश यहां पर उपस्थित। स्वागत हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी का जोरदार तालियां पहुंचा दीजिए वहां पर और एक बार ऊर्जाओं का प्रभाव माननीय मुख्यमंत्री के बच्चों तक और बच्चों से माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचेगा। भारत माता की, भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री जी के जोर से हमारे देवास वासियों का बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्रीमद राजी राजे बाबा साहब विधायक हम सबके बीच उद्बोधित करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत है। मुख्य अतिथि के रूप में वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हुए सम्माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी भाई साहब, उप मुख्यमंत्री आदरणीय जगदीश देवड़ा जी, हमारे खेल मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी, उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। आज इस कार्यक्रम में भाई साहब आपने समय देकर, मैं जानती हूँ कितना व्यस्त कार्यक्रम आपका चल रहा है, आपको मिलने की 5 मिनट के लिए भी चुनाव के कारण व्यस्तता बनी हुई है, समय नहीं है। इसके बीच में आपने देवास वासियों को यह समय निकाल के दिया, उसका मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आपका। वर्चुअल ही सही, आप अगर यहाँ पर फिजिकली मौजूद होते तो इस कार्यक्रम का आनंद 4 गुना होता, पर इस व्यस्त समय में आपने ये समय दिया, इसका भी बहुत मूल्य है हम लोगों के लिए। ये जो एथलेटिक ट्रैक 9,54,00,000 रुपए का आज जो स्वीकृत हुआ है, बाबा की कृपा से हम लोगों को, देवास वासियों को, खिलाड़ियों को मिला है, इसके लिए 6 से 7 साल से हम प्रयासरत थे, बहुत मांग थी और बहुत ही ज्यादा प्रस्ताव करके बाद हमने इसको आज आपके माध्यम से पाया है। तो इसको हम आपके बिना लोकार्पण या भूमि पूजन तो बिल्कुल नहीं कर सकते थे, इसलिए आपने समय दिया, ये समय से चालू भी हो रहा है, इसका पैसा भी आपने हमको पूरा दिया है। तो यहाँ बैठे हुए सैकड़ों खिलाड़ियों की तरफ से, सभी एसोसिएशन की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मुख्यमंत्री इतनी बड़ी सौगात देवास के लिए दी है, इसलिए भी धन्यवाद देती हूँ। देवास को हमेशा से आपका आशीर्वाद प्राप्त रहा है, आप मुख्यमंत्री बने हैं और उसके बाद से जितने कामों को मैंने आपसे निवेदन किया है, 100% काम होकर मिले हैं। अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद एक बहुत ही पुराना प्रस्तावित रोड था उज्जैन चौराहे से लेके नागुखेड़ी तक, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे 80 करोड़ में स्वीकृत करके दिया है, उसके लिए भी सभी ताली बजाकर मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बहुत ही जरूरी था ये रास्ता भाई साहब, आपके उज्जैन जाने के लिए बाईपास से जुड़ाव तो है ही, पर शहर के अंदर से जाने के लिए बहुत जरूरी था, वो आपने हमें दिया है, उसके लिए भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अभी आपने 15 करोड़ के और रास्ते जो हमें विधायकों को दिए हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अभी पिछले 15 करोड़ के ही पूरे नहीं हो पाए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और 15 करोड़ दे दिए हमको, तो उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद। और चामुंडा और माँ तुलजा भवानी से कामना करती हूँ कि ऐसे ही मौके और आए, दुगनी तेजी से आए कि हम बार बार मुख्यमंत्री जी को विकास कार्यों के लिए धन्यवाद दे सके। एक मांग केवल थी भाई साहब, मुझे मांग भाषणों में रखना अच्छा नहीं लगता, पर सभी खिलाड़ियों की इच्छा थी कि आपने इतना सुंदर 9.5 करोड़ का अगर ये एथलेटिक ट्रैक दिया है, उसके साइड में दोनों तरफ पवेलियन बनने के लिए
लिए अगर आप और माननीय मंत्री जी कुछ सोच विचार करके थोड़ा राशि और इसमें बढ़ा दें तो दो पवेलियन बनकर तैयार होंगे और हम चाहेंगे कि इसका लोकार्पण करने के लिए आप और मंत्री जी फिजिकली यहाँ पर उपस्थित रहें और इसको देखेंगे कि कितनी भव्यता से और कितनी सुंदरता से हम इसको बनाकर पूर्ण करके आपको देंगे। आपने हर संभव प्रयास किया है खेलों को बढ़ावा देने के लिए। मेरे साथ यहाँ पर रागिनी जी खड़ी हुई है, इनको आपने इस साल विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया है भाई साहब सॉफ्ट बॉल के लिए। इसी तरह नीचे बैठे हुए बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पे और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि आज आपके माध्यम से हमें मिली है। फिर से धन्यवाद देते नहीं थक रही हूँ आपको। आपने देवास को इतना अपना माना है और हमेशा से आशीर्वाद दिया है, उसके लिए बहुत बहुत हृदय से आपको धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, श्रीमान पवार साहब और हमारे क्षेत्र के सांसद श्री महेंद्र सिंह सोलंकी जी वर्चुअली हमारे बीच है। माननीय मुख्यमंत्री जी के धन्यवाद करूँ श्री महेंद्र सिंह सोलंकी जी सुनेंगे, श्री महेंद्र सिंह सोलंकी सांसद उन्होंने हमें बताया कि हमारे क्षेत्र के चलिए मैं बोल देता हूँ। माननीय सांसद जी का, माननीय विधायक श्रीमती गायत्री जी पंवार जी का इस अवसर पर हमारे प्रभारी मंत्री के नाते से मेरे साथ मंत्रिमंडल में माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी का इस अवसर पर, महापौर श्रीमती गीता दुर्गेश अग्रवाल जी का सबका अभिनंदन है, हमारे सभापति रवि जैन जी, जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल जी, पूर्व महापौर सुभाष शर्मा जी, राजेश यादव जी, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। मेरी अपनी ओर से सभी मित्रों का, समय की थोड़ी सी कमी है माननीय सांसद जी माफ करना, मैंने आपका समय ले लिया है क्योंकि मुझे तुरंत यहाँ माननीय हमारे विश्वास सारंग जी खेल मंत्री भी जुड़े हैं, आपकी ये एक तरह से सद्भावना है और खेलों के मामले में विश्वास सारंग जी, माननीय देवड़ा जी, हमारे सारे मंत्री अपने अपने क्षेत्र में बहुत सारी उपलब्धियां दे रहे हैं। दो देवियों का वास देवास, तुलजा भवानी चामुंडा माता सबके पर कृपा करे और हम सब परमात्मा की दया से इस नए वातावरण में, नए युग में, नए समय में खास करके केला देवी का भी आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़े, ये हमारा सबका सौभाग्य है। मालवा सदैव अपनी विशेषताओं के कारण से जाना जाता है, लेकिन सच्चे अर्थों में महाराज छत्रपति महाराज शिवाजी के बाद हमारा मालवा तो उस समय स्वाधीन हो गया जब हमारे यहाँ होलकर, पवार, सिंधिया, बाजीराव जी महाराज के माध्यम से जब हमारी हिंदवी सेना का साम्राज्य पुनर्स्थापित होने का अभियान चला तो ये हमारे सभी देवस्थान के आभा भी बढ़ी और हमारा क्षेत्र अपने आप में एक अलग प्रकार से पहचाना जाने लगा है। आज के इस अवसर पर जब देवास की बात कर देवास में अगर नोट प्रेस है तो नोट प्रेस अपनी जगह है, लेकिन औद्योगिकरण का विकास करने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है, आने वाले समय में एक बृहद महानगर की श्रेणी में इस सबका विकास होगा और देवास और सबसे ज्यादा भाग्यशाली है जहां फोर लेन बन करके सीधा सीधा देवास के चारों तरफ एक रिंग रोड बन गया है जो चारों तरफ से फोर लेन के साथ देवास को भी सुरक्षित रख रहा है और विकास के नए दरवाजे भी खोल रहा है। आज के इस अवसर पर सिंथेटिक ट्रैक ये जो बन रहा है, मेरी अपनी ओर से
खेल के लिए बड़ी सौगात है मेरी अपनी ओर से कुशवाहा ठाकरे स्टेडियम में ये सिंथेटिक ट्रैक जो बनने जा रहा है आज के समय में हम सब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अलग अलग खेलों में जिस प्रकार से उपलब्धि हासिल कर रहे हैं ऐसे में भविष्य में ओलंपिक और एशियाड में भी हमारे खिलाड़ी यहां से निकलकर वहां पार्टिसिपेट करें ऐसी भविष्य की संभावना भी है और मेरी शुभकामना भी है। मेरी भविष्य की दृष्टि से देवास अपने ढंग से एक अलग प्रकार से जाना जाता है। मुझे मालूम है कि यहाँ कुशवाहा ठाकरे स्टेडियम श्रीमंत तुकोजीराव पवार स्टेडियम खासकर आज ये पूरा आयोजन ही स्वर्गीय तुकोजीराव पवार के जन्म जयंती के अवसर पे हो रहा है एक बड़ी सौगात दे रहे हैं। हम अपने महाराज से मेरा व्यक्तिगत संबंध भी था और हम सब जानते हैं कि यद्यपि वो समय के साथ बहुत अपनी अलग पहचान रखते थे काल के प्रभाव में परमात्मा की इच्छा पे किसका बस चलता है लेकिन जब भी रहे जब तक रहे खूब दमदारी से रहे उनका स्वयं का अपना खेलने का ट्रैक से लेकर के कई प्रकार की विशेषता मैंने उनके साथ युवा मोर्चा में भाजपा में कॉलेज जीवन के समय से साथ में काम भी किया है और मैं व्यक्तिगत जानता भी था। भाजपा में भी 5 बार वो विधायक भी रहे राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रदेश कार्यकारिणी उच्च शिक्षा मंत्री जब मैं टूरिज्म का चेयरमैन था तब वो हमारे मंत्री ऐसे कई विभाग युवा खेल एवं युवा कल्याण का मंत्रालय कई काम उनने बहुत अपनी कुशलता के साथ संपन्न किए हैं। आज के इस अवसर पर उनकी जन्म जयंती के अवसर पर ये बड़ी सौगात जो मिल रही है स्टेडियम की खासकर खेथलेट ट्रैक की इसलिए बड़ी सौगात है। हमारे बच्चे जो अभी विक्रम अवार्डी यहाँ है हम उम्मीद करते हैं कि ओलंपिक अवार्डी भी यहाँ आपके साथ खड़े रहकर इन सौगातों का लाभ ले। हमारी अपनी भविष्य की बहुत बड़ी संभावना है। हमारी सुयोग्य विधायिका श्रीमती गायत्री राजी पवार जिनके साथ मैं कुछ समय पहले भी आया था कथा भागवत के समय भी और नारी सशक्तिकरण की दिशा में भी उस समय कुछ आपने कार्यक्रम जोड़े थे। आप कल्पनाशील भी हैं और अपने कार्य में दक्ष भी हैं अपनी एक पहचान बनाने में कायम भी है। बदलते दौर में औद्योगिकरण की दिशा में हमारी सरकार बहुत काम कर रही है। आने वाले समय में देवास उज्जैन इंदौर ये तो और एक अलग प्रकार की स्थिति में जाएंगे। हम और आप सब मिलकर प्रयास करें आने वाले समय में खास करके अब आपने कोई स्टेडियम बनाने की बात कही है तो यहाँ के कलेक्टर और बाकी लोगों को तो CSR फंड के माध्यम से भी हम इस व्यवस्था में आपकी ये सौगात दिला सकते हैं तो ये बड़ी सौगात होगी। यहाँ है कलेक्टर के नहीं है तो हाँ ये फैक्ट्री से जोड़ करके CSR फंड में भी आप इसको दिखवा करके ये स्टेडियम के अंदर जो पेविलियन की बात माननीय विधायक जी ने कही है ये तुरंत इसकी जुड़वा करके ये पेविलियन की सौगात भी दिलाना चाहिए। जरूरत पड़ेगी तो मैं उसमें मदद करूंगा। निश्चित रूप से खिलाड़ियों के लिए जो जो चाहिए हम सब देने के लिए तैयार हैं। एक बार फिर मैं पूरे आयोजन के लिए बधाई देना चाहूंगा सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। महन जी का खास आभार। महन जी आपका समय मैंने लिया क्योंकि मुझे तुरंत महाराष्ट्र के दौरे पर निकलना है। मुझे केवल 5 मिनट के लिए यहाँ उपस्थित हुआ था इसलिए मैंने माफी चाहिए आपसे। महन सिंह जी हमारे मित्र हैं और बहुत अच्छे बहुत धन्यवाद आपका भी आभार। जी जी बहुत अच्छा कोई बात नहीं आपका आभार। आपके साथ में कौन है? अच्छा प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अच्छा सिंह साहब बात। अरे वाह 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 बहुत अच्छा। मेरे को भी आना था शादी में मेरी तरफ से बधाई दे देना उनको जैसे आपको। जरूर जरूर बहुत अच्छा बहुत धन्यवाद। अच्छा बहुत धन्यवाद। अच्छा अच्छा प्रणाम सब धन्यवाद।